पैर से इसको उठाएंगे और ऐसे, ये जीरो ग्रेविटी चेयर हो गई। तो मैंने टेट फेयर से 3 फोल्डिंग आइटम खरीदे थे, एक उसमें से कॉट था, एक फोल्डिंग चेयर थी और एक फोल्डिंग टेबल थी। तो तीनों आइटम मेरे यहाँ पे आ चुके हैं इस बॉक्स के अंदर। तो मैं आपको इन तीनों आइटम की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन तीनों को मैं आपको अलग अलग वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आपको आराम से तीनों चीज़ समझ में आ सके, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक आइटम दिखाता हूँ, जस्ट वेट। सबसे पहले मैं आपको चेयर दिखाता हूँ। तो ये मैंने चेयर निकाली है, ये चेयर ये देखिए, ये है चेयर इस तरीके से। ये यूं चेयर है, ये इसका पैंट। इस तरीके से हम इस पर नॉर्मली बैठ सकते हैं और इसको अपने हिसाब से यूं इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फीट के हिसाब से ऐसे। अगर हमें इससे लेटना है, जीरो ग्रेविटी चेयर है ये, तो इसको यूं पीछे करके इसको अपना पिलो बना लेते हैं और यूं पैर से इसको उठाएंगे और ऐसे, ये जीरो ग्रेविटी चेयर हो गई। अब आप आराम से इसमें उस प्रकार से लेटिए, चाहे सो जाइए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, तो इसको एंजॉय करिए। और अगर आपको उठना हो, ये सिराना लगा हुआ है इसमें, तकिया पिलो, इसको यूज़ कर सकते हो आप। आपको उठना है फिर आप यूँ ऐसे उठ के यूँ नॉर्मल चेयर इसको बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये चेयर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार की आपको चेयर लगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉट के बारे में बताऊंगा कि उस दूसरे कॉट आइटम में क्या है, उस पर आपको टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।